गाइज आज के इस वीडियो में आप लोगों को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में जैम्प इंस्टॉलेशन बताने वाला हूँ। गाइज जैम्प इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर स्टैक विच इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ मेनी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इस जैम्प के अंदर में एक्स स्टैंड्स फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म, इट मीन्स हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसके इंस्टॉलर अवेलेबल है। विंडोज, लिनक्स, मैक सबके लिए मिल जाएगा। ए स्टैंड्स फॉर अपाचे वेब सर्वर। एम इज नथिंग बट मारियाडीबी डेटाबेस सर्वर। सबसे पहले MySQL डेटाबेस सर्वर इंक्लूडेड होता था, बट लेटेस्ट वर्जन में MariaDB सर्वर है। एंड डबल पी इज नथिंग बट PHP एंड Perl प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। गाइज XAMPP बंडल पैकेज को यूज कर अपाचे वेब सर्वर के अंदर में हम लोग PHP प्रोग्रामिंग की हेल्प से एक डायनेमिक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस XAMPP बंडल पैकेज में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक है PHP MyAdmin टूल। उस PHP MyAdmin टूल की हेल्प से हम MariaDB डेटाबेस सर्वर को ग्राफिकली एक्सेस कर सकते हैं। सो चलो देखते हैं सब कुछ कैसे इंस्टॉल करेंगे। सो जस्ट ओपन ब्राउजर एंड ब्राउजर के एड्रेस बार में जाकर टाइप करना है XAMPP। सो सर्च रिजल्ट की पहली लिंक पर apachefriends.org साइट मिल जाएगी। ये XAMPP की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखिए XAMPP का फुल फॉर्म है अपाचे MariaDB PHP एंड Perl। एंड हमको विंडोज के लिए डाउनलोड करना है, हर प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। सो मैं विंडोज के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। ये 2 मिनट के अंदर में डाउनलोड हो जाएगा एंड देन हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेंगे। चलो हो गया डाउनलोड, जस्ट शो इन फोल्डर। डाउनलोड सेक्शन के अंदर में XAMPP डाउनलोड हो चुका है। चलो अब इसके ऊपर में डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। परमिशन देनी है। देखिए यहां पर एक वार्निंग है, सो जस्ट वार्निंग को इग्नोर करना है एंड क्लिक ऑन ओके। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहां पर लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स देखिए, सर्वर के अंदर में अपाचे, MySQL, फाइलजिला, मर्क्यूरी एंड टॉमकैट। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर में PHP एंड Perl। एंड अदर सॉफ्टवेयर में PHP MyAdmin, वेबलाइजर एंड फेक सेंड मेल। आप कोई भी सॉफ्टवेयर एक्सक्लूड कर सकते हो, जस्ट आपको अनचेक करना है। अगर टॉमकैट नहीं चाहिए तो आप अनचेक कर सकते हो, बट मैं बाय डिफॉल्ट सब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाला हूँ। सो जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव के अंदर में एक XAMPP नाम का फोल्डर क्रिएट कर देगा। जनरली हम विंडोज में कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करते हैं तब प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में इंस्टॉल होता है, बट ये एक XAMPP फोल्डर क्रिएट करेगा एंड सब कुछ उसके अंदर में इंस्टॉल हो जाएगा। सो जस्ट बिना कोई चेंजेस करते हुए मैं क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको रिडायरेक्ट कर बिटनामी की वेबसाइट में ले जाएगा। सो जस्ट उसको क्लोज कर देना है एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो 2 मिनट के अंदर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। सो इंस्टॉलेशन डन एंड डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ? चलो यस, फिनिश करते हैं। सो इमीडिएटली एक कंट्रोल पैनल आपके सामने में डिस्प्ले कर देगा। आगे कंट्रोल पैनल या फिर आप सर्च में जाकर XAMPP अगर आप टाइप करोगे तो यहाँ भी आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन मिल जाएगा। सो जस्ट जैसे आप क्लिक करोगे कंट्रोल पैनल डिस्प्ले हो जाएगा। इस कंट्रोल पैनल के अंदर में आप अपाचे, यहाँ पर लिखा है MySQL बट एक्चुअल में MariaDB है, फाइलजिला, मर्क्यूरी एंड टॉमकैट, बटन क्लिक कर आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं। चलो मैं अपाचे वेब सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट। बाय डिफॉल्ट इसका पोर्ट नंबर होता है 80। सो 80 नंबर पोर्ट नंबर में अपाचे लिसनिंग स्टार्ट कर देगा। चेक करने के लिए जस्ट ओपन ब्राउजर एंड ब्राउजर में टाइप करना है एड्रेस बार में लोकल होस्ट। सो आपके सामने में ये फ्रंट पेज अगर आ जाता है, इट मीन्स अपाचे सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है एंड स्टार्ट हो गया। कभी कभी अपाचे वेब सर्वर जिसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 ये ब्लॉक रहता है। अगर आपने कोई दूसरा अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware इंस्टॉल किया रहेगा या फिर आपके पास में एंटीवायरस अगर होगा, तो कभी कभी ये पोर्ट नंबर 80 को ब्लॉक कर देता है, तो हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं। सो जस्ट इस पोर्ट नंबर को चेंज करने के लिए यहाँ पर कॉन्फिग नाम का ऑप्शन दिखता होगा, कॉन्फिग एंड इसमें फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड एक फाइल ओपन हो जाएगी, http://d.conf।
इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर में जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है एंड आपको यहाँ पर दिखता होगा पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट क्या लिखा ET। अगर आपको पोर्ट नंबर अगर इनकेस अगर चेंज करना पड़ा सो आप यहाँ पर जाकर चेंज कर सकते हैं, कोई भी पोर्ट नंबर लिख सकते हो। लेट्स से मैं 8080 कर देता हूँ, यहाँ भी पोर्ट नंबर 8080। जस्ट सेव करना है कंट्रोल एस एंड एक बार अपाचे सर्वर को रीस्टार्ट कर देना है। चलो अब देखो पोर्ट नंबर क्या हो गया 8080, बट इस बार ब्राउजर में जाकर एड्रेस बार में सिर्फ लोकल होस्ट लिखने से नहीं चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 80 नंबर पोर्ट नंबर में जाएगा। यहाँ पर लोकल होस्ट के आगे कोलन एंड देन 8080 लिखना है, जो भी आपने पोर्ट नंबर सिलेक्ट किया हो। आ गया डिफॉल्ट पेज, इट मीन्स अपाचे सक्सेसफुली रन हो रहा है यहाँ पर, बट मुझे 8080 पोर्ट नंबर नहीं चाहिए, मैं फिर से उसको डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 में कन्वर्ट कर देता हूं। अगर इनकेस प्रॉब्लम आता है तब आप पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हो। जस्ट सेव एंड स्टॉप एंड स्टार्ट, आ गया फिर से 80। चलो अब आपको एक पीएचपी का सैंपल प्रोग्राम रन करके दिखाता हूं। याद रखना है पीएचपी एक सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मींस इसके प्रोग्राम को आपको अपाचे वेब सर्वर के रूट डायरेक्टरी में स्टोर करना है। सो अपाचे वेब सर्वर का जैम बंडल पैकेज के अंदर में रूट डायरेक्टरी का नेम होता है stdocs। सो हमने सी ड्राइव के अंदर में इंस्टॉल किया था जैम को, सो सी ड्राइव के अंदर में जैम के अंदर में आपको इसका रूट डायरेक्टरी मिलता होगा stdocs। यहां पर जाकर आपको फाइल सेव करना है। सो जस्ट राइट क्लिक न्यू एंड मैं एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूं यहां पर, लेट्स से info.php एंड मेरे पास में notepad++ है। सो यूजिंग दैट बेसिक notepad++ टेक्स्ट एडिटर मैं यहां पर php का एक कोड लिखता हूं। php का कोड लिखने के लिए कोई मेन फंक्शन नहीं होता, C++ जावा जैसे यहां पर होता है डेलिमिटर। सो जस्ट आपको लिखना है ओपन एंगुलर ब्रैकेट ? php ? एंड क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। जैसा C++ इन जावा के अंदर में प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर में प्रिंट एफ, C++ के अंदर में सी आउट एंड जावा के अंदर में system.out.println। सो पीएचपी के अंदर में आपको प्रिंट करने के लिए एक कीवर्ड है एको विद इन डबल कोर्स। जस्ट मैं यहां पर लिख रहा हूं वी आर लर्निंग पीएचपी एंड इसको क्लोज कर देते हैं। फाइल का नेम लिखा मैंने info.php एंड उसको रूट डायरेक्टरी के अंदर में हमने स्टोर किया, दैट इज stdocs। चलो ब्राउजर ओपन करना है। जैसे ही आप ब्राउजर के अंदर में लिखते हो लोकल होस्ट, ऑटोमेटिकली ये रूट डायरेक्टरी के अंदर में एंटर किया, दैट इज stdocs के अंदर में। एंड उसके अंदर में हमने फाइल नेम लिखा info.php, सो जस्ट स्लैश एंड info.php। अगर रिजल्ट वी आर लर्निंग php, अगर आपको php के इंफॉर्मेशन अगर प्रिंट करनी है, सो इस फाइल के अंदर में मैं एक फंक्शन लिख देता हूं, एक बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास में php info। तो इस फंक्शन की हेल्प से देखिए क्या रिजल्ट आएगा। सो जस्ट रिफ्रेश दिस पेज, यहां पर आपको php के वर्जन जो कि हमने इंस्टॉल किया 7.4.8 एंड अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन, उसकी लाइब्रेरीज एंड रेडीमेड फंक्शंस, ड्राइवर्स, सब कुछ यहां पर उसके डिटेल्स मिल जाएंगे। अब इस डेटाबेस सर्वर को स्टार्ट करते हैं। यहां पर दिख रहा है MySQL, बट एक्चुअल में ये MariaDB है, मैं बताता हूं कैसे होगा। जस्ट इसको स्टार्ट करना है, इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर था 3306, आप पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हो अगर ये ब्लॉक्ड अगर होगा तब। कमांड प्रॉम्प्ट से मैं इस डेटाबेस सर्वर को ओपन करके दिखाता हूं। सो कमांड प्रॉम्प्ट से इस डेटाबेस सर्वर को हैंडल करने के लिए इसका पाथ सेट करना पड़ेगा, एक सी ड्राइव या पर जैम के अंदर में आपको फोल्डर मिलेगा MySQL एंड इस MySQL फोल्डर के अंदर में एक अनदर फोल्डर मिलेगा bin। सो इस bin तक के पाथ को क्या करना है, कॉपी करना है। सो जस्ट इस एड्रेस बार में मैं क्लिक कर रहा हूं, हाईलाइटेड टेक्स्ट के ऊपर में राइट क्लिक कॉपी एंड दिस PC और माई कंप्यूटर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज एडवांस सिस्टम सेटिंग्स एनवायरमेंट वेरिएबल एंड यहां पर पाथ वेरिएबल के अंदर में जाकर उसको हम लोग सेट कर देंगे। सो जस्ट इस पाथ वेरिएबल को मैं एडिट करने वाला हूं।
एंड यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है एंड जो भी पाथ आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है. सो जस्ट ओके ओके एंड ओके, थ्री टाइम्स ओके करना है. सो हमने डेटाबेस सर्वर का पाथ सेट कर दिया, जिससे एडवांटेज का मिलेगा आपको कमांड प्रॉम्प्ट से उसका एक्सेस मिल जाएगा. सो जस्ट सर्च कमांड प्रॉम्प्ट एंड यहाँ पर टाइप करना है MySQL space dash U stands for user, default user का नेम होता है root एंड एंट्री करना है. देखिए मैंने कहा था ना MySQL नहीं है यहाँ पर, यह है MariaDB database server. सो कंट्रोल पैनल में फोल्डर का नेम आपको MySQL दिखता होगा, बट ये MariaDB database server है. इसके अंदर में जितने भी databases है अगर आपको देखना है तो जस्ट शो databases, ये डिफॉल्ट databases यहाँ पर क्रिएटेड है. आपको कोई भी अगर डेटाबेस अगर न्यू अगर क्रिएट करना है सो इसके लिए कमांड है क्रिएट डेटाबेस. लेट्स से मैं एनएसजी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ. वंस अगेन शो डेटाबेसेस, इस लिस्ट में एनएसजी नाम का डेटाबेस इंक्लूड हो गया. उस डेटाबेस को यूज करने के लिए कमांड है यूज एंड नेम ऑफ डेटाबेस. अब करंट में डेटाबेस ब्रैकेट में आपको दिखता होगा पहले नन लिखा था, अब क्या आ गया एनएसजी. या फिर सिलेक्ट डेटाबेस followed by parenthesis नाम का एक query. So इसके through हम लोग selected database को check कर सकते हैं. अब आप इसके अंदर में table create कर सकते हो, insert, delete, update and select. Command wise आप लोग सब कुछ handle कर सकते हो, but हम लोग उसको graphically access करेंगे. So अब मैं यहाँ पर temporary इसको exit करता हूँ. Just मुझे यहाँ पर दिखाना था, यहाँ पर लिखा है MySQL, but background में वहाँ पर क्या है MariaDB. चलो अब PHP MyAdmin टूल दिखा देता हूं जिसके थ्रू हम लोग ग्राफिकली उसको एक्सेस करेंगे. सो इसके लिए जस्ट ओपन ब्राउजर एंड ब्राउजर में जाकर लिखना है लोकल होस्ट स्लैश PHP MyAdmin. सो आपके सामने PHP MyAdmin का फ्रंट पेज आ जाएगा. अगर आपने ओनली लोकल होस्ट भी अगर लिखा सो इस लोकल होस्ट के फ्रंट पेज में यहां पर राइट साइड में PHP MyAdmin का मेन्यू भी है. इसके ऊपर क्लिक करोगे सो लोकल होस्ट PHP MyAdmin ओपन हो जाएगा. अब यहां पर देखिए जितने भी डेटाबेसेस हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में देख रहे थे सबकी लिस्ट है. या फिर इस डेटाबेसेस ऑप्शन में क्लिक करना है, लिस्ट ऑफ ऑल डेटाबेसेस यहां पर अवेलेबल है. आप न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो. सो जस्ट यहां पर जाकर मैं एक डेटाबेस क्रिएट करने वाला हूं NSC Academy. जैसे बटन पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक क्रिएट डेटाबेस डेटाबेस नेम की क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी. देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिस्ट में एनएसजी अकेडमी भी आ गए. चलो एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं इस एनएसजी अकेडमी डेटाबेस के अंदर में. लेट्स से नेम ऑफ टेबल इज स्टूडेंट हैविंग थ्री कॉलम्स. सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थ्री एंड क्लिक ऑन गो. कॉलम का नेम दे देते हैं यहाँ पर रोल सपोज नेम एंड मार्क्स, जिसमें से रोल नंबर का डेटा टाइप मैं कर देता हूँ वेरकैर एंड मार्क्स कर देता हूँ मैं डेसिमल. नेम की अगर लेंथ अगर आपको चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो. इवन अगर आपको रोल नंबर को प्राइमरी की में अगर कन्वर्ट करना है सो इस इंडेक्स में जाकर इसको प्राइमरी सिलेक्ट करना है. जस्ट क्लिक ऑन गो. अगर आपको SQL का अगर प्रीव्यू अगर चेक करना है सो प्रीव्यू SQL का ऑप्शन है. सो जो भी आप कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करते हो वो एज इट इज आपको SQL यहाँ पर दिखता होगा. सो जस्ट क्लोज एंड सेव. सो बैकग्राउंड में क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई एंड टेबल हमारे सामने में क्रिएट हो चुका है जिसमें रोल नेम एंड मार्क्स वेयर रोल नंबर इज नथिंग बट प्राइमरी की. चलो इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं. इंसर्ट नाम का ऑप्शन आपको दिखता होगा यहाँ पर. सो जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट. बाय डिफॉल्ट ये दो रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा, मुझे एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करना है. सो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया वन. चलो रोल नंबर लेट्स से 111, नेम इज ABCD, मार्क्स इज सपोज 99 एंड क्लिक ऑन गो. वन रो इंसर्टेड, क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है यहाँ पर. इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एंड वैल्यूज. सो यहाँ पर ब्राउज में जाकर आप लोग चेक कर सकते हो. जैसे ब्राउज के ऊपर में क्लिक करोगे यहाँ पर एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है 111 ABCD 99. अगर आपको अपडेट अगर करना है सो जस्ट इसको क्लिक करके एडिट कर देना है. अगर मुझे 99 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए 100 एंड गो के ऊपर में जैसे ही आप क्लिक करोगे सो यहाँ पर अपडेट क्वेरी फायर हो चुकी है. अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स कितना चाहिए था 100, जहाँ पर हमने 99 किया था रोल नंबर वाइज 111 रोल नंबर का मार्क्स कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा. फिर से ब्राउज पर जाकर आप चेक कर सकते हो यहाँ पर 100 आ गया.
या फिर अगर डिलीट अगर करना होगा सो जस्ट क्लिक ऑन डिलीट, बैकग्राउंड में डिलीट क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज नथिंग बट 111। सो चलो डिलीट कर देते हैं। ओके, फिर से टेबल अब एम्प्टी हो चुका है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है एंड उसके अंदर में अब कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। सो ग्राफिकली हमने डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर लिया विद हेल्प ऑफ पीएसपी माय एडमिन। सो आई होप आप लोगों को विंडोज में XAMPP इंस्टॉलेशन 100% समझ में आ गया होगा। हमने पीएसपी माय एडमिन भी देखा जिसके थ्रू हमने डेटाबेस को ग्राफिकली एक्सेस किया। अगर आपको कुछ भी अगर डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। एंड इसी तरह के ऑसम वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो तब तक के लिए गुड बाय।